जहाज का सफर यूं तो नहायत आरामदेह सफर है, लेकिन बाज़ औक़ात इस सफर के दौरान भी हादसा पेश आ सकता है। जहाज का अमला इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी के वक्त उसका बरवक्त इलाज हो सके। फिजाई सफर के दौरान बाज़ औक़ात कई ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिनको कोई तिब्बी मसला लाहक हो सकता है। ऐसी सूरत में लाजमी है कि फिजाई अमले को पहले से मुतला किया जाए ताकि फिजाई अमला इस हवाले से होशियार रहे। हम जब पैसेंजर जो फ्लाई करते हैं, बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर है जो क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली और मैकेनिकली। टेम्परेचर को, एल्टीट्यूड को मेंटेन रखा जाता है, प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। तो जब एक बीमार बंदा अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है और ट्रैवल करता है, अगर बीमार है, जबी तो आपको कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिनमें मेडिकल सर्टिफिकेट लेके और फिर ट्रैवल करना चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम जो वो इंक्रीज़ हो जाती है। ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे। फिर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे जब पैसेंजर हमारे साथ आते हैं तो उनको DVT की शिकायत हो जाती है। जब फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो लोग बैठे रहते हैं अगर सीट्स पे, तो DVT हो जाता है। फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, समटाइम पैसेंजर्स को लैप्स कर जाते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ अगर होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। फिर अगर लेडी फैमिली वे में है तो उसके लिए हमारी कुछ सर्टन कंडीशंस हैं। उसके अलावा अगर समटाइम लोग फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स बना के ट्रैवल कर जाते हैं बिकॉज दे हैव टू गो बैक टू देयर डेस्टिनेशंस, उनको वापस जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे, उनकी जगह अगर सोचा जाए तो मैं या आप भी हूँ तो हम यही सोचेंगे कि अगर मैं कैनेडा से आई हूँ तो मैं पहुँचूँ ही पहुँचूँ वापस, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है उसकी नेशनैलिटी का क्वेश्चन होता है। तो वो बाय हुक और बाय क्रूक दे वॉन्ट टू गो बैक टू देयर डेस्टिनेशंस। तो अगर कोई लेडी फैमिली वे में ट्रैवल कर जाती है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बल्कि ज़्यादा हो जाती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। CPR की ज़रूरत तो किसी वक्त भी पड़ सकती है। अगर शॉर्ट हॉल फ्लाइट है, अगर कोई खुदा न खास्ता जो कोलैप्स कर जाता है, पर्सन कैन कोलैप्स एनी टाइम, कोई भी कोलैप्स कर सकता है। अगर वो कोलैप्स कर जाता है तो फिर उसकी सर्टन कंडीशंस हैं जो हमने आपको अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी क्लास में भी और यहाँ प्रैक्टिकल में बता रही थी उनको, कि उस कंडीशन में फिर हम उनको CPR करते हैं। उसके लिए ये कि जब कैजुअल्टी अगर कोलैप्स कर जाती है तो आप पहले हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, डेंजर को हम रिमूव करते हैं, विच काइंड ऑफ डेंजर इट इज़, जिस तरह के डेंजर की वजह से वो कोलैप्स की है। उसके बाद हम उसका रिस्पांस चेक करते हैं, अगर वो रिस्पांस कर रहा है तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कैजुअल्टी जो है, वो पैसेंजर जो है, अगर रिस्पांस नहीं करता, तो पहले ही जब पैसेंजर बोर्डिंग हो रही होती है तो हम उस वक्त अपने क्रू को ये ट्रेन करते हैं कि आप विजिलेंट रहें, आप देखें कि किस किस्म के पैसेंजर्स आ रहे हैं आपके जोन में, कौन बीमार है। अगर कोई डायबिटीज़ है, हमारे पास अगर अपनी मेडिसिन रखवाता है चिलर में या फ्रिज में रखने के लिए अगर कहता है, तो दैट मीन्स कि ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। अगर वो कोलैप्स करेगा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो डायबिटीज़ की वजह से कोलैप्स किया, तो उसको हम उस तरह हैंडल करते हैं। और अगर वो नॉर्मल बैठा हुआ एकदम से कोलैप्स कर जाए एंड वी डोंट नो कि वेदर ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट और व्हाट्स द प्रॉब्लम विद हिम, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम अपना हमारा एक जो प्रोसीजर है इमरजेंसी का, जो उसको हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपका DRABC। उसको हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्रू को ट्रेन करते हैं, लेके चलते हैं। हम पहले उसका डेंजर रिमूव करते हैं, फिर उसका रिस्पांस चेक करते हैं, फिर उसकी ब्रीदिंग को चेक करते हैं। अगर ब्रीद कर रहा है तो हम उसको सीट से रिमूव करते हैं, अपने क्रू को ट्रेन करते हैं मूवीज़ के ज़रिए, प्रैक्टिकल्स करवा के कि हाउ यू विल रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द सीट और किस तरह ले जाके फिर हम उसको रिकवरी पर डाल देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है अगर उसकी ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग इज़ एबसेंट, इफ़ द ब्रीदिंग इज़ एबसेंट देन वट वी विल डू, हम क्या करते हैं, देन वी विल गिव हिम CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। हम इसके ये जो दो सिस्टम हैं, हार्ट और लंग्स, जो उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम और उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम चलाते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको रिवाइव करते हैं कंप्रेशंस और वेंटिलेशंस के ज़रिए। जो हम कंप्रेशंस देते हैं वो हम उसका हार्ट रिदम को रिवाइव करते हैं, और जो हम वेंटिलेट करते हैं वो हम उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको हम रिवाइव करते हैं। हवाई सफ़र के दौरान मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल इमरजेंसीज़ भी रूनुमा होती हैं,
जिनमें दिल का दौरा पड़ना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सफ़र के दौरान अगर किसी इंसान की सांस की नाली बंद हो जाए तो उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना सांस रोकने से मौत वाक़ हो जाती है। हवाई जहाज़ में सफ़र से कबल तरबियत याफ्ता अमला मुसाफिरों को हिफाजती इकदामात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, ताकि मुसाफिर बिला खौफ व खतर बा हिफाजत अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँच जाएँ।